सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ बन गए यूपी के केसरिया क्रांति के सबसे अटल सबसे प्रबल जननायक, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत के भगवा रथ को लगातार दूसरी बार सत्ता सिंहासन तक पहुंचाने में अपने संकल्प को साकार किया। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है। ये प्रचंड अटल और प्रबल योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा ब्रिगेड की ऐतिहासिक विजय का सबसे बड़ा नायक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि की धुरी बनकर योगी आदित्यनाथ ने वो चमत्कार कर दिखाया जिसे अविश्वसनीय और अकल्पनीय कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के सियासी इतिहास में 37 साल बाद हुआ है जब किसी दल ने लोकप्रियता की जबरदस्त लहर पर सवार होकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो। श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आपको तफसील से बताते हैं कि गोरखपुर से अपने सियासी सफर का आरंभ करने वाले सन्यासी योगी आदित्यनाथ कैसे बन गए यूपी में केसरिया क्रांति के जननायक। वो 19 मार्च 2017 की तारीख थी जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर पर सवार होकर विजय का केसरिया ध्वज लहराया, लेकिन 22 के महासंग्राम में योगी सरकार के काम काज को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। सोच ईमानदार और काम दमदार का उद्घोष कर योगी आदित्यनाथ ने अग्रिम पंक्ति से मोर्चा संभाला। नारा तो था सबका साथ, लेकिन काम होता था सिपाही खानदान का विकास। उससे बाहर विकास की सोच थी ही नहीं। लेकिन जब हम लोग आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा क्या दिया? सबका साथ सबका विकास, विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा तो फिर बुलडोजर भी। लोग परेशान है। योगी के इस आत्मविश्वास की वजह कुछ और नहीं बल्कि वचन ही शासन है का उनका संकल्प रहा। सीएम योगी ने डंके की चोट पर अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोला, उसका असर उनकी पहली सरकार के दौरान सबने देखा। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई, तमाम अवैध कब्जों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया और इसके अलावा सरकार ने बड़ी तादाद में माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त कर दी। इसी वजह से लोगों का भरोसा योगी सरकार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। योगी 1.0 सरकार में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1,800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई,
इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे भी दर्ज किए गए, जबकि 43,429 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जमीन पर फायदा पहुंचाया है। साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब उन्होंने कहा था कि माफियाओं का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और फिर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले और बीजेपी ने इस बुलडोजर को सीधे यूपी की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। लेकिन विरोधियों ने बुलडोजर को अपने लिए संजीवनी समझ लिया, जबकि अपने अटल इरादों के साथ योगी आदित्यनाथ अडिग होकर बुलडोजर को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्राइम कंट्रोल के अलावा योगी आदित्यनाथ भाजपा के जननायक बने तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं ने भी अपना अहम किरदार निभाया। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं भी इस बार जो जीत मिली उसमें एक बड़ा कारण साबित हुई। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फ्री राशन हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर उज्ज्वला जैसी योजना हो, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को हुआ और वो इस चुनाव में वोट में भी तब्दील हुआ। योगी सरकार की इन्हीं योजनाओं का असर रहा कि महिला शक्ति को साधने का दम भरने वाले देखते रह गए और बाजी योगी आदित्यनाथ ने जीत ली। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।